Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another video. तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं Pal World. तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है क्योंकि मैं पकड़ने जा रहा हूँ एक बहुत खतरनाक पोकेमोन को जिसका नाम है मेमोरिस्ट. भाई ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ा पोकेमोन है और बहुत ज्यादा पावरफुल भी है. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार मेरे पास तो बहुत सारे खतरनाक पोकेमोन है तो मैं इसे मार के पकड़ क्यों नहीं लेता हूँ. तो देखो सीन ऐसा है कि इसमें इतनी ताकत है कि ये मेरे सारे पोकेमोन को ना एक अटैक में ढेर कर देता है. बट आज मुझे एक नई ट्रिक पता चले जिस ट्रिक से मैं मेमोरिस्ट को मार के इसे पकड़ने वाला हूँ. बट हाँ यार मुझे पक्का भरोसा नहीं है, हो सकता है ये मुझे ही मार डाले. तो देखते हैं कि क्या मैं मेमोरिस्ट को पकड़ पाता हूँ या फिर नहीं. ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू पैल वर्ल्ड. देखो मुझे अच्छे से मालूम है कि अभी आप सब लोग ये जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हो कि आखिर मुझे ऐसी कौन सी ट्रिक पता चली है कि जिससे मैं मेमोरिस्ट जैसे जायंट पावरफुल पोकेमोन को पकड़ सकता हूँ. तो सीन देखो कुछ ऐसा है ना कि जब भी मैं उससे फाइट करने जाता हूँ तो मैं एक बार में एक ही पोकेमोन फेंक सकता हूँ. जैसे इसको फेंक दूं या फिर मैं अपने ये मुसांडा लक्स को फेंक दूं या फिर अपने पास ये पोकेमोन है. तो इस तरीके से एक बार में एक ही पोकेमोन फाइट करता है और मेमोरिस्ट एक एक करके सबको उड़ा देता है. बट आज मैं क्या करने वाला हूँ, मैं मेमोरिस्ट को फाइट करके लेके आऊंगा अपने बेस के पास. मतलब तुम देख पा रहे हो मैं अपने बेस पे एक टाइम पे 10-15 पोकेमोन छोड़ के रखता हूँ. ये देखो ये सारे. तो अगर ये 10 के 10 पोकेमोन एक ही बार में मिलके मेमोरिस्ट पे अटैक करें तो भाई मेमोरिस्ट की ना चटनी बन जाएगी चाहे वो कितना भी बड़ा हो. तो मैं ये ट्रिक लगाने वाला हूँ. फिलहाल ये कोई और पोकेमोन है मेरे बेस पे क्या कर रहा है, रुको इसको मारते हैं. वैसे ना लास्ट एपिसोड में मैंने एक नए पोकेमोन को जन्म मैंने नहीं दिया था, मेरे को एक एग मिला था उसमें से ये पोकेमोन निकला था जिसका नाम है बुशी. भाई ये बहुत डेंजरस पोकेमोन है, कटाना लेके चलता है. भाई मार के दिखाइए बुशी से. ये देखो ये मारा इसको यूं अभी ओ तेरी की, बहुत ही बढ़िया बुशी भाई. डेंजरस तो है. ओ बुशी भाई को टक्कर दे दी. मारो बुशी. नाइस, बहुत बढ़िया. चलो वापस आ जाओ अंदर. तो हाँ मेरी नई पोकेमोन गैंग तो काफी बढ़िया बन चुकी है. मैंने बहुत सही से पोकेमोन कैप्चर करे हैं. एक ये दूसरा पोकेमोन है लूपमून, ये भी बहुत सही अटैक करता है. देखने में काफी गंदा सा है वैसे, बट जो भी है आज मुझे अगर फाइट करानी है मतलब मेमोरिस को पकड़ना है तो मुझे चाहिए होगा गीगास्फेयर. मतलब तुम ये वाला जो पोकेमोन बोल देख रहे हो ना छोटे पोकेमोन पकड़ने के लिए होता है, एंड जो ग्रीन वाला है इससे बड़े पोकेमोन पकड़ सकते हैं. तो मुझे ये बनाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी 7 है. अभी बस मुझे प्रिपेयर करना है अपने बेस को ताकि जब मेमोरिस यहाँ पर लड़ने आए तो कुछ ऐसे पोकेमोन बेस पे हो जो मार दे. तो जितने भी पोकेमोन तुम्हें नीचे दिख रहे हैं ना ये सारे के सारे बेस पे इस टाइम पे वर्क कर रहे हैं. मैं इन सबको उठा के ना यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है. अभी इनको बेस पे काम करने की थोड़ी देर जरूरत नहीं है. तो मैं बेस पर रखने वाला हूँ वो पोकेमोन जो बहुत ज्यादा बढ़िया है. एक इसको रखते हैं, इसको रखते हैं, इसको रखते हैं, इसको रखते हैं, इसको भी मैं रख देता हूँ. और फाइटिंग करने में ये भी बहुत बढ़िया है, ये भी बहुत अच्छा है फाइट करने में. मैं 3 पोकेमोन और रख सकता हूँ. वेट एक सेकंड, मेरे बेस पर किसी ने रेड कर दिया भाई. हेलो एक सेकंड, वो देखो देखो सामने कोई तो लोग हमें मारने आ रहे हैं. बट टेंशन की जरूरत नहीं है, मैंने अभी मेमोरिस्ट को मारने के लिए पोकेमोन रखे थे और मेरे ऊपर इन लोगों ने रेड कर दी, इनकी बहुत गलत पिटाई होने वाली है. मुझे मैं अटैक नहीं मारो गाइस. ओ भाई एक मिनट रुको, तू आइयो जरा, क्या कैप्चर कर सकता हूँ मैं इसे. लेट्स सी. ओ मैंने एक बंदे, एक मिनट रुको इधर आ. अरे मर गए भाई, सारे मर गए. एक वो आ रहा है, उसको भी दर्शन दे दो अपने. अरे ये बंदा आया तुमसे. आओ गाइस मुझे किसी ने मारा भाई, का खतरनाक पिटाई करते हैं यारे लोग. लेट्स गो भाई, जिन लोगों ने अटैक करा था उनकी तो बहुत ज्यादा खतरनाक पिटाई हो गई है. पर हाँ अभी मुझे मेमोरिस्ट को मारने के लिए पोकेमोन रखने थे तो मैं एक टॉम को यहाँ पे रख देता हूँ, एक इसको भी रखवा देते हैं और एक इसको रख देता हूँ, ठीक है. तो टोटल 10 पोकेमोन मैंने यहाँ पर रख दिए हैं. अब मैं ढूंढ के लाता हूँ मेमोरिस्ट को, उसे मारते हैं और अपने बेस तक लेकर आते हैं. मेमोरिस्ट भाई अभी तुम मेरे को यहीं पर दिखे थे, कहाँ पर हो. वैसे एक सेकंड यार मैं पैदल क्यों जा रहा हूँ, मेरे पास नाइट विंग है, मैं उड़कर कहीं पर भी जा सकता हूँ. हाँ तो यहाँ पर चल के नाइट विंग को मैं अपने पास रख देता हूँ पहले. चलो नाइट विंग भाई मेरे साथ चलो. नाइट के ऊपर बैठ कर मैं जा रहा हूँ सबसे पहले मेमोरिस्ट को ढूंढने. मेरे बेस के पास ना 2-3 मेमोरिस्ट घूमते रहते हैं तो मुझे पहले मेमोरिस्ट को मार के उसे अपने बेस तक लाना होगा. बट यार मुझे पता है डर किस चीज का लग रहा है, मेमोरिस्ट इतना पावरफुल है, हो सकता है कि वो आराम से मेरे सारे पोकेमोन को मार दे. मैं उसे फिलहाल ऊपर तो ढूंढने आया था, मुझे यहाँ पर वो नहीं दिखा. एक बार ही चलते हैं नीचे की साइड पर, वहां पर रहता है वो मेमोरिस्ट. आज तेरा पिटने का दिन आया तो तू मुझे दिख नहीं रहा भाई, कितनी ज्यादा गलत बात है यार. वो हमेशा यहाँ पर घूमते रहता है यार, आज नहीं दिख रहा यार. कितनी ज्यादा अच्छी किस्मत है यार मेमोरिस्ट की, वैसे वो हमेशा कहीं घूमते रहता है बट आज बारी है उसकी पिटने की तो गायब हो रखा है. ओह वेट, वो देखो देखो सामने मेमोरिस्ट घूम रहा है. रुक जाओ, मुझे ना इस पे अटैक कर देना चाहिए अभी से ही और मैं इसको लेकर आता हूँ अपने साथ. तो ये है इसका टोर्नेडो अटैक, यही मार देते हैं सीधा. टोर्नेडो गया और ये इसी के साथ टक्कर तो मैं दे नहीं पाया बट ठीक है, मैंने टोर्नेडो अटैक मार दिया. भाग नाइटविंग भाग, बहुत बुरा मारेगा ये. अरे भाग क्या रहा है. ओ भाई ये है भाई, डेंजरस तो है. इसको अगर मैंने पकड़ लिया अपना पोकेमोन बना लिया भाई मजे आ जाएंगे, मैं किसी को भी हरा पाऊंगा फिर. आजा मेमोरिस्ट पीछे आजा, पीछे आजा भाई. बस वो इस रास्ते से. अरे वापस चले मेमोरिस्ट भाई. अरे वापस आ यार, यार गाइस ये वापस जा रहा है यार, यहाँ से मैं अपने बेस तक कैसे लाऊं. मेमोरिस्ट दम है तो आना, क्या हुआ हालत खराब हो गई, आना अटैक कर मुझ पे. गिल ले. ओ कुछ तो मार रहा है, ओ भाई गिल ले मार.
भाई देखो मैं उसके ऊपर अटैक कर रहा हूँ, उसकी हेल्थ कितनी कम कम जा रही है, बट अभी अभी ये धीरे धीरे मेरे पीछे आ रहा है भाई, भागता भागता। अगर मैं धीरे धीरे भागते रहूँ तो शायद से मेरे बेस तक चलेगा। अरे नहीं नहीं मेमोरिस रुक जा, मेमोरिस मेरे भाई फाइट करते है ना, आजा ओए फट्टू। यार ऐसे तो ये भागते रहेगा। यार रुको यार, कोई तो तरीका होगा इसको मुझे अपने बेस के पास लाने का, क्योंकि रिसेंटली मैंने देखा था ये मेरे बेस के पास घूम रहा था। वैसे हो सकता है कि यहाँ पर दो मेमोरिस्ट हो, मैंने अभी भी एक मेमोरिस्ट ऊपर स्पॉट करा था। यार इस एरिया में दो मेमोरिस्ट है, तो मुझे वो वाला ढूंढना जो मेरे बेस तक चले, शायद से कि इस वाले रास्ते से जाए। अच्छा मैम ये सब नहीं कीचड़ वीचड़ नहीं थूकने का, चुपचाप भाग कर आओ मेरे पीछे पीछे। वेरी गुड गुड बॉय, आ जाओ भाई। मुझे ऐसा लग रहा है कि ना उसको वहां तक आने का रास्ता नहीं मिल रहा, तो मुझे उसे रास्ता दिखाना पड़ेगा। वो कुछ तो मार रहा है, वो बच गया मैं भाई। मैंने ना गलत फाइट ले रहा हूँ, मेरे हिसाब से मेरे को मार डालेगा भाई। गाइस मुझे ना कोई ऐसा मेमोरिस्ट ढूंढना पड़ेगा जो मेरे बेस तक आ जाए। ये भाई साहब जी तो आ ही नहीं पा रहे, मैं ना चल के कोई दूसरा मेमोरिस्ट ढूंढता हूँ। हो सकता है मेरे बेस के आसपास एक और हो, क्योंकि मैंने कई बार नोटिस करा है इधर एक नहीं दो तो ऐसे बड़े बड़े एलिफेंट, मतलब ये जो मेमोरिस्ट है वो रहते हैं। तो मैं बस इस टाइम तलाश में हूँ वो दूसरे वाले की, अगर वो आज मुझे दिख गया तो भाई अपना दिन बन जाएगा, उसको मारेंगे बहुत बुरी तरह। यार मुझे यार सही में ऊपर तो कोई एक दूसरा मेमोरिस्ट नहीं दिखा, बट मैं अभी भी 100% श्योर हूँ कि कोई ना कोई एक मेमोरिस्ट इधर जरूर रहता है, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि वो मेरे बेस तक चलकर आ जाता है। तो हो सकता है कि अभी वो कहीं कुछ खाने पीने गया हो, कल मेरे पास आ जाए। अभी थोड़ी देर में रात होने वाली है, बट रात होने से पहले मैं एक और चीज ट्राई करना चाहता हूँ। इससे पहले उतरते हैं भाई नाइट विंग से, इसको बुला लेता हूँ मैं वापस, और अभी मैं जाने वाला हूँ। ये क्या अटैक करके गया? हाँ तो मैं कह रहा था अभी मैं जाने वाला हूँ पैदल, चल के एक बार ना मेमोरिस्ट को ऐसे अपने हाथ से मारता हूँ और भाग कर आता हूँ। हाँ भाई मेमोरिस्ट, तो ऐसे हाथ से मारना थोड़ा बुरा रहेगा, अपने डॉगी से पिटाई करवाते हैं। अरे उनको नहीं मारना, चल अभी मारा है तो मार ही दे। वेरी गुड, चलो अभी मैं काम करता हूँ डायर हाउल की फाइट करवाता हूँ इससे। जा डायर हाउल मार इसको। अरे अरे क्या डर गया क्या? अरे यार वो लड़ी नहीं रहा उससे, इसको मारना है हमें, मार उसको। यस अच्छा भाग के जा, वापस आ जा मार देगा वरना तेरे को। अभी देखो 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 क्या क्या अटैक कर रहा है वो मेरे ऊपर। ओए ओए मर जाऊंगा। अच्छा मेमोरिस्ट दमा तो लड़ना। अरे अरे भाई कुछ तो फेंकता है यार उल्टी सीधी चीजें। ये देखो आजा मेमोरिस्ट भाग क्या, इसको आज मैं लेकर जाऊंगा अपने बेस पे। ये चाहे कितने भी अटैक कर ले मेरे बेस तक तुझे चलना ही पड़ेगा। ओके 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 मैं इसे चढ़ाकर ऊपर तक तो ले आया हूँ थोड़ा सा। अरे अरे भाई अच्छा यहाँ से ऊपर चलेगा, मेरे को लगता नहीं है यहाँ से ऊपर आता है। हाँ ये बार बार यहीं से वापस जा रहा है, मतलब यहाँ तक ना इसकी एक रेंज है। बेसिकली सीन क्या है ना, ये एक बॉस पोकेमोन है और बॉस पोकेमोन की एक रेंज रहती है। तो जो मेमोरिस्ट मुझे पहले दिखा था वो कोई दूसरा मेमोरिस्ट है। मैंने एक बार चलकर सोता हूँ, क्या पता मुझे कल वो दोबारा से अपने बेस के पास देखने को मिल जाए। यार देखो मेरे बंदे तो सारे रेडी हैं फुल फाइट करने के लिए, बस अभी जिस बंदे को पकड़ना है वो नहीं नजर आ रहा है। और जैसा कि मैंने बताया कि मेरी नई ट्रिक यही है कि मुझे मेमोरिस्ट को अपने बेस के पास लाना पड़ेगा, ताकि सारे 10 के 10 पोकेमोन मिलके उसे मारे, तभी हम लोग उसको मार सकते हैं। वरना भाई एक एक करके मारना उसे इम्पॉसिबल है भाई, उसके एक अटैक में सब ढेर हो जाते हैं। तो चलो गाइस रात हो चुकी है, फटाफट से हम लोग ना चल के सो लेते हैं, और नेक्स्ट डे अगर हमें वाला मेमोरिस्ट मिला तो हम लोग उससे फाइट करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, अगला दिन हो चुका है और अभी मुझे चलकर ढूंढना है वो नए वाले मेमोरिस्ट को। मेमोरिस्ट तो वही है, बट कई बार वो इस एरिया में घूमते रहते हैं सुबह के टाइम पे, पर पता नहीं क्यों आज मैंने पूरी प्लानिंग बनाई है उसको पकड़ने के लिए, उसे मारने के लिए, तो मुझे वो नहीं दिख रहा है। इतनी ज्यादा खराब किस्मत है यार मेरी। वैसे मेरी किस्मत खराब नहीं है, मेमोरिस्ट की किस्मत अच्छी है। इसको मारो जब तक तुम टाइम पास करो, मैं मेमोरिस्ट को ढूंढता हूँ। गाइस देखो अभी ना मैंने सचमुच में बहुत ज्यादा वेट और बहुत ज्यादा ढूंढन हांडी कर ली है, बट अभी तक मुझे वो वाला मेमोरिस्ट नजर नहीं आया जो मेरे बेस तक खुद ही चलकर आ जाया करता था। तो आज मैं सीधा फाइट करने वाला हूँ उस बड़े वाले पैल, मतलब भाई बोला तक नहीं जा रहा, उस बड़े वाले बॉस मेमोरिस्ट से। हो सकता है मेरा बहुत ही गलत डिसीजन हो, क्योंकि उसका अटैक करने का तरीका बहुत अजीब है। आई मीन अजीब तो क्या, बहुत ज्यादा ही पावरफुल और डेंजरस है। बट ठीक है देखा जाएगा, क्या पता मैं अगर एकदम ट्रिक लगाकर सही तरीके से फाइट करूं मैं उसे मार डालूं। तो चलो भाई आज अगर बोला ही है फाइट करना है मेमोरिस्ट को पकड़ना है, तो सस्ती ट्रिक से बढ़िया ओरिजिनल ट्रिक से ही लड़ते हैं। तो लेट्स गो, वापस से अपनी आर्मी को मैं वापस बुला लेता हूँ। तो मेमोरिस्ट से फाइट करने चल रहा है बूशी, हो सकता है कि सारे के सारे पिट कर आए, बट मजा बहुत आएगा। मुसांडा चलेगा साथ में, एजी रोब को लेके चलते हैं, और मैं रॉबिन क्विल को लेके जाऊंगा, एंड साथ में हम लोग रखने वाले हैं लूप मून को। अब ना मैं काम करता हूँ, अपने लिए बहुत सारी फायर एरो क्राफ्ट कर लेता हूँ, ठीक है भाई। फायर एरो क्राफ्ट कराने के लिए ना बंदों की हेल्प चाहिए होगी, तो बेस पे कुछ कुछ पोकेमोन को रख लेता हूँ जो मदद कराते हैं यार। चलो तो मैंने अपने काम करने वाले पोकेमोन्स को सबको यहाँ पे उतार दिया है, और अभी हमने तीर बनाना क्राफ्ट कर दिया है। 335 एरोस में बना रहा हूँ, ताकि मैं मेमोरिस्ट को साथ साथ मारते रहूं। अपने आर्मर
को फुल रिपेयर कर लेता हूँ, सारी चीजें रिपेयर कर लेते हैं भाई। क्रॉसबो रिपेयर करने के लिए मुझे आयरन इंगेट चाहिए होगा, तो मेरे पास ये जो एक्स्ट्रा एग है ना, फिलहाल के लिए मैं इसको रखवा देता हूँ इसके अंदर, ताकि इसमें से अपना कोई ना कोई पोकेमोन निकल कर आया भाई हमारे पास। 10 मिनट्स में एक न्यू पोकेमोन आएगा इसमें से निकल के। बट ठीक है, अभी मैं काफी अच्छा खासा प्रिपेयर हूँ अपने जायंट पोकेमोन मेमोरस से फाइट करने के लिए। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। वैसे एक मिनट भाई, मैं कुछ प्रिपेयर नहीं हूँ, मैंने इस टाइम पर अभी वो भी वापस नहीं लिए। मुझे खूब सारी फायर एरो साथ में लेकर जानी होगी तो ही बढ़िया रहेगा भाई। यहाँ पर तो इन लोगों ने थोड़ी बहुत ही फायर एरो बनाई है यार, इस पे काम करो ना प्लीज। एक मिनट रुको यार, बेस पे उन पोकेमोन को उतारते हैं जो हैंडी वर्क करे। तो ये जो पोकेमोन है हैंडी वर्क करती है, ये पोकेमोन भी हैंडी वर्क करता है, ये वाला पोकेमोन भी हैंडी वर्क करता है, एंड ये पोकेमोन भी हैंडी वर्क करता है। तो जितने भी हैंड वर्क करने वाले पोकेमोन है, अगर उनमें मैं बेस पे उतारूंगा तो वो लोग जल्दी जल्दी काम करवाएंगे, ताकि जो फायर एरोज वगैरह मैं बना रहा हूँ फटाफट क्राफ्ट हो जाए। यार मैं ना सच में अभी भी वेट कर रहा हूँ कि मुझे अगर वो दूसरा वाला मेमोरस नजर आ जाए ना यार, जो इधर उधर घूमता रहता है, तो मजा आ जाएगा। उसे बेस पर लेकर आएंगे और उसकी लड़ाई करवा दूंगा यार सबसे, और इजीली कैप्चर कर लूंगा। बट ठीक है, कोई बात नहीं, अभी चलते हैं यार फाइट करने। मुझे बस देखना है कि मैं मेमोरस को क्या थोड़ा बहुत भी आधा भी डैमेज कर सकता हूँ। मुझे मालूम है बहुत ज्यादा गलत डिसीजन हो सकता है मेरा ये, क्योंकि कहां मैं उसे अपने 10 के 10 पोकेमोन से भिड़वाने जा रहा था, और कहां अभी वापस मैं उससे एकदम सही तरीके से बिना कोई ट्रिक लगाए एकदम लेजिट लड़ने जा रहा हूँ। भाई वेट यार, मैं लड़ने तो जा रहा हूँ, सबको खाना वाना तो खिला दूं, खुद भी भाई पूरा खाना खा के पेट भर के रखना है। वेट, मेरा खाना भी खत्म हो गया यार। एक मिनट यार, कहीं ये भगवान का इशारा तो नहीं था कि मुझे उससे लड़ने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं जब भी मेमोरिस्ट को मारने निकल रहा हूँ कुछ ना कुछ गड़बड़ आ रही है। पहले तो वाला मेमोरिस्ट नहीं था, दोबारा से लड़ने गया तो वो मेरे बेस तक नहीं आया, अब मैं तीसरी बार लड़ने जा रहा हूँ तो मेरे पास खाना नहीं है। बट ठीक है यार, आज अगर डिसीजन बनाया है कि मुझे मेमोरिस्ट से लड़ना है, उसे मारना है, उसे पकड़ना है, तो मुझे ये सब करना ही होगा। एक बारी सोच लिया तो सोच लिया, तो फटाफट से चलते हैं, जो जो नया एरो बना है वो भी कलेक्ट कर लेते हैं, और मैं यहाँ से उठा लेता हूँ भाई बहुत सारा खाना, और थोड़ा सा ना मुझे यार बैग खाली करना होगा। चलो गाइस, बारी आ चुकी मेमोरस से लड़ने की। भाई बहुत ज्यादा डर तो लग रहा है, क्योंकि मुझे उससे जिस तरीके से फाइट करनी है, मुझे उसके हर एक अटैक को समझना होगा कि आखिरकार मेमोरस किस टाइम पर अटैक करता है, मुझे किस टाइम पर डिफेंड करना चाहिए, और किस टाइम पर अपने पोकेमोन को वापस बुलाना चाहिए। होता क्या है कि जब भी कोई सामने वाला बड़ा पोकेमोन अटैक करता है, तो उसके अटैक का डैमेज बहुत ज्यादा बढ़िया होता है, तो उसमें बेटर ये रहता है कि तुम अपने पोकेमोन को वापस बुला लो। तो ठीक है, सबसे पहले मैं फाइट करने के लिए भेजने वाला हूँ रॉबिन क्विल को। जा रॉबिन, मार इसको, ट्राई करियो दूर से ही मारे तू। ओके, अरे बाबड़ू उसको कहाँ मार रहा है? अरे मैम और इससे लड़ने भेजा तेरे को, इसको मारना। नाइस नाइस नाइस, दूर से थोड़ा। यस, बहुत सही, मैं पत्थर के पीछे छुप रहा हूँ, तो लड़ाई कर। अरे मार उसको। गाइस एक तो मेरे आधे ज्यादा पोकेमोन भाई डरते हैं यार, उन्हें विश्वास ही नहीं होता। अच्छा आपने इससे लड़ने भेजा था क्या? अभी इसने फेंका इसको, वो हो गई अटैक इसने करा, और ये जा उधर जा, वो मुझे मारने आ रहा है भाई। अरे बचा बचा, ओह डैमेज देना चालू कर दिया उसने। नाइस, बहुत बढ़िया, तीर वापस आ जा और वापस जा, अभी अटैक करते रहते उस पे। वो मुझ पे कर रहा है अटैक, मैं उसका सारा ध्यान भटका रहा हूँ। ओ भाई भाई भाई, ये देखो, नाइस। अभी जिस तरीके से हमारी फाइट चल रही है, अब अगले जन्म में मरेगा वो। भाई देखो, हमने मेमोरस को मारना तो चालू करा है, बट पोकेमोन उसे डैमेज ही नहीं दे पा रहे हैं यार। जा तू जा, मैंने इस टाइम पर भेजा है मुसांडेलक्स को, देखते हैं भाई इसका डैमेज तो बहुत ज्यादा। हाँ, इसने कुछ खास डैमेज करा। वापस जा, ये मारेगा, 2-3 साल लगाएगा मारने में, पर मार देगा। मुसांडा भाई डैमेज दो, वो गोली चला रहा है भाई वो। नाइस, उसकी 4200 एचपी है, और इतना अटैक करने के बाद हम लोग उसकी एचपी सिर्फ और सिर्फ 100 कम कर पाए हैं। भाई वो मर ही नहीं सकता यार, बहुत पावरफुल है, उसे डैमेज मिल ही नहीं रहा हमारे अटैक्स का। वापिस आ, बट ये तो है कि यार इससे लड़ना इतना भी ज्यादा हार्ड नहीं है, टाइम लगेगा इसे मारने में, बट मैं मार सकता हूँ। वापिस आओ भाई, मेरे एक एक एरो से उसका 1 HP कम हो रहा है भाई। क्या मैं इसको भेजू? ये बहुत ज्यादा डैमेज करता है। वापिस आ, ओ नाइस, ये अच्छा डैमेज दे रहा है, दोबारा से इसको भेजते हैं। ये देखो, इसके अटैक से उसका एचपी बहुत तेज गिर रहा है, और इस टाइम पर तो मैंने उसमें आग लगा दी, तो उसकी एचपी कंटिन्यूअसली कम होते जा रही है, क्योंकि वो जल रहा है, और वो मेरे पीछे आ रहा है, अटैक कर उस पे। भाई एक मिनट, ये मुझे मारेगा। मेरा पोकेमोन कहाँ गया? आया, उसने अटैक करा है इस पे, और उसके बलून्स, अरे मार देगा भैया, बचा लो, मैं बचा, मरवा देगा भाई ये मुझे, मरवाएगा, रुक जा मुझे से बुला के। अरे वापिस आ, वापिस आ, वापिस आ भाई, ये क्या मारा?
ये क्या मारा मुझे? मेरे हिसाब से जब तक मैं जिंदा होकर वापस लौटूंगा वो दोबारा से बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका होगा। मुझे एक बार जल्दी से जाना है। अगर उसकी हेल्थ बहुत बढ़ गई है तो मुझे उससे दोबारा फाइट नहीं लेनी चाहिए। चलो 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 चलो, मुझे लगता नहीं है कि अभी वो उतनी ही कम एचपी में होगा जितनी कम एचपी में मैंने उसे छोड़ा था। बट ठीक है यार, अभी मुझे उसको मारना इतना ज्यादा भी डिफिकल्ट नहीं लग रहा है। ये देखो भाई, वो वापस से अपनी फुल एचपी में आ चुका है। बट ठीक है यार, तेरे को देख लूंगा मैं, एक ना एक दिन जरूर मारूंगा यार। अभी तो आज मैं तेरे को छोड़ रहा हूँ यार। कोई ना कोई तो मस्त तरीका होगा ना यार इसको मारने का। एक बार दोबारा से ट्राई करूँ क्या? ये पोकेमोन सही अटैक कर रहा था यार, इसको मारो। देखो मैं सीधा तीर निकाल के इसमें ना दे डालता हूँ। देखो ये सही अटैक करता है भाई। इसे वापस बुला के यहाँ पे भेजते हैं, वापस बुला के उधर भेजता हूँ। भाई नहीं भाई नहीं भाई नहीं 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 नहीं, बिल्कुल फायदा नहीं है भाई मेमोरस से लड़ने का। नहीं 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 नहीं, मैं तो वापस घर जा रहा हूँ भाई। और वैसे ज़्यादा आगे तक आता नहीं है तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है। क्या यार, इसको मारना सच में बहुत मुश्किल है। अगर मैं एक एक पोकेमोन लेके लड़ूंगा तो इम्पॉसिबल है। पता नहीं यार, मुझे ना सच में हमेशा से वो वाला मेमोरस अपने बेस के पास दिखता था, ऐसे नॉर्मली घूमता रहता था। आज वो कहाँ है? वो इधर ही कहीं ऐसे चलते रहता था। उसे मैं अरे तू चुप रहे, गुस्सा आ रहा है आज मुझे, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। मैं पहले बता रहा हूँ, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। मुझे अभी वो वाला मेमोरस चाहिए जो मेरे बेस के पास इधर उधर घूमता रहता था। वो कहाँ चला गया? चलो यार, अभी देखते ही देखते काफी ज्यादा रात हो चुकी है और मैंने एक और नया तरीका ढूंढा है मेमोरस को पकड़ने का। फिलहाल अभी मैं इस एग को ओपन कर देता हूँ, देखते हैं इसमें से कौन सा पोकेमोन। ओके, इसमें से मुझे फर्डलर मिला है जो कि मुझे नहीं चाहिए था, मेरे पास ऑलरेडी है। खैर ठीक है, अभी सोने चलते हैं। मुझे मेमोरस को मारना है मारना है मारना है। गुड मॉर्निंग गाइस, अगला दिन हो चुका है, एक बार कहीं बाहर घूम के आते हैं। वेट गाइस, मैं नॉर्मली ऐसे घूम रहा था और वो देखो सामने मुझे कौन दिखा। एक मिनट, भाई ये क्या किस्मत चमकी अचानक से, मेमोरिस्ट वहाँ पहाड़ पे क्या कर रहा है? रुक, मेरा तो दिमाग ही नहीं चल रहा। वेट, मुझे वापस से अपनी आर्मी रेडी करनी होगी सबसे पहले तो। एक मिनट रुको, सारे पोकेमोन को यहाँ से हटा देता हूँ बेस से। आ गया भाई, अपने हत्ते लग गया जो हमें चाहिए था। तो सबसे पहले मुझे क्या करना क्या है मैं सब भूल गया हूँ। मुझे इन पोकेमोन को डालना है बेस पे जो कि मेमोरिस्ट से लड़ने वाले हैं। बस ये लोग ना पिट ना जाए भाई, बेइज्जती बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसको डाल देता हूँ, ये भी जाएगा। एक काम करता हूँ, सॉर्ट बाय लेवल कर देता हूँ, सारे तगड़े पोकेमोन यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, सबके सब मैंने यहाँ पर स्पॉन कर डाले हैं। मुझे ना बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जब मेमोरेस्ट की इनसे फाइट चल रही होगी तब मुझे फटाफट से इन पोकेमोन को वापस अंदर कर लेना है ताकि मेमोरेस्ट पूरा ना मर जाए, मुझे उसे जिंदा छोड़ना है। तो ठीक है, यहाँ पर मैं उसके तीर मार देता हूँ ताकि मेमोरेस्ट हमसे लड़ने नीचे आए। आजा भाई, तेरा बहुत हो गया आज, तू आजा नीचे आ बेटा, नीचे नीचे नीचे। सारे मेरे बंदे रेडी बैठे तेरे को मारने के लिए। गाइस उसको मारना है सामने, वो जो दिख रहा है ना पहाड़ पे चढ़ा हुआ। अबे ये तो नीचे ही नहीं आ रहा। ओ भाई, अटैक तो बहुत गुस्से में कर रहा है, बट ये नीचे नहीं आ रहा तो मैं इसे अपने एरो से मार डालूं क्या? वेट, मेरे पोकेमोन्स ने उसे मारना तो चालू कर दिया है। ओ भाई क्या किस्मत है। लेट्स गो। ओए आया, उसके अटैक आया, हटो सारे, हट जाओ। ओ नाइस, उसका अटैक आया, पहुंच ही नहीं पाया। भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पहाड़ पे जाके फंस गया है। ओए ज्यादा शाणापंती नहीं मेमोरस, आज तेरा दिन नहीं है। भाई वो भगदड़ कर रहा है, वो पहाड़ से नीचे आ गया ना, मारेगा बहुत बुरा सबको। भाई ये 34 लेवल का मेमोरस्ट है और मैं अपने तीर मार मार के थक चुका हूँ, बट ये मरने का नाम नहीं ले रहा। मेरे सारे पोकेमोन भाग के ऊपर जा रहे हैं उसे मारने। भाई सब लोग एक साथ मत अटैक करना प्लीज, वो मर जाएगा पूरा। मुझे ना शायद से भाग के अपने पैल बॉक्स के पास जाना चाहिए, क्योंकि अगर मेमोरस्ट की हेल्थ कम हुई तो मैं अपने सारे पोकेमोन को वापस बुला लूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने पोकेमोन को वापस बुला ही लेना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से मैं फाइट ले रहा हूँ मैं इसे अकेले ही मार सकता हूँ यार। सारे एरो मेरे पास आ चुके हैं। भाई ये तो मेरे मजे आ गए ना बैठे बैठे। वो ये नीचे आता हुआ दिख रहा है मुझे। गाइस देखो, मैं नहीं चाहता कि मेरे जो पैल्स है, मतलब जो मेरे पोकेमोन है, वो इसे पूरा मार डाले, तो इसके लिए मैं उन सभी पोकेमोन को ना अभी अंदर कर दे रहा हूँ। ठीक है, और जिस हिसाब से मैं इस मेमोरस से फाइट ले रहा हूँ, मुझे अकेले ही फाइट लेनी चाहिए। ठीक है, देखो मैंने उसे आधी एचपी कर दिया, थोड़ी सी और एचपी कम करके मैं उसे कैप्चर कर सकता हूँ। ओके, उसने अटैक करा, हट जाता हूँ मैं। बेटे मेमोरस, आज तू गलत जगह फंस गया मेरे हत्ते। वो नीचे आ रहा है वो। अच्छा, ओ नाइस, क्या बढ़िया डॉच करा मैंने। अगर इस टाइम पे पूरा मार देगा मुझे बहुत दुख होगा। ना 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 ना, आज तेरी कोई चाल नहीं चलने वाली बेटे। करा, अटैक करा, ये डॉज, नाइस। मेरे पास इतनी एरो है, मैं उसे सुबह तक मार सकता हूँ। भाई रुक जाओ, मैं क्रोसबो भी चलाऊंगा थोड़ी। गाइस, हमने मेमोरेस्ट की बहुत कम कर दी है हेल्थ और थोड़ी देर में मैं उसे कैप्चर कर सकता हूँ। बस ऐसी फाइट करते रहने है। भाई मुझे नहीं पता था कि आज का दिन मेरे लिए इतना ज्यादा लकी होगा, मैं तो खाली पीली खुद को बदनसीब समझ रहा था। बट यार अगर आज ये पूरा मरा ना तो सच में मैं बहुत रोऊंगा। देखो गाइस, 26 एंड 28 का डैमेज उसे क्रोसबो से जा रहा है और जो मेरा फायर एरो है वो उसे डैमेज कर रहा है पूरे 8 का। तो मतलब एरो से बहुत कम डैमेज हो रहा है, क्रोसबो से मारना चाहिए मुझे। ओ भाई ये मैंने क्या करा, मेरे पास टोटल 6 मेगा स्फेयर है, तो शायद इन 6 मेगा स्फेयर में मैं इसे पकड़ सकता हूँ। और अभी मैंने इसकी हेल्थ बहुत कम कर दिया, मुझे एरो यूज करना चाहिए ताकि मैं बस इसे थोड़ा थोड़ा डैमेज दूँ। 9, बिल्कुल हेल्थ इसकी आराम आराम से कम करेंगे।
चलो बहुत उसकी हेल्थ कम कर लिया है 0%। अरे ये वाली नहीं बॉल फेंकनी, ये वाली फेंकनी है तो इसको मैं निशान लगा के फेंकता हूँ यहाँ। अरे बॉल वेस्ट हो गया, मुझे ऊपर जाना पड़ेगा इसे पकड़ने के लिए। प्लीज मेमोरस, प्लीज मेमोरस इस बॉल में आ जा। अरे कहाँ चला गया ये, क्या हो रहा है? एक सेकंड, ये पत्थर में कैसे घुस गया भारा? भाई मुझे नहीं पता ये क्या ग्लिच हुआ है, बट मेरे साथ ये स्कैम नहीं होना चाहिए भाई आज। प्लीज मेमोरस आ जा यार, मेरे पास और बॉल नहीं है, प्लीज आ जा, प्लीज आ जा भाई, प्लीज आ जा। मरियो मत यार, मरियो मत, मरियो मत। मेरे पास गाइस बॉल भी खत्म हो चुके हैं इसको पकड़ने के लिए। और मेरी यार किस्मत बहुत ज्यादा, मुझे पता था मेरी किस्मत खराब रहती है भाई इस गेम में ना। आज गया है वो, फुल एचपी हो जाएगा, वो भी यहीं पर है भाई, बस मरे ना। मैं अभी भी उसे पकड़ सकता हूँ होम पे रिस्पॉन होके। प्लीज 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 प्लीज, कहाँ पर है, कहाँ पर है? वोरा वोरा वोरा, कम एचपी है वो, लेट्स गो। अभी भी हमारे हाथ से वो नहीं निकला है, ना ही मैं उसे निकलने दूंगा। ठीक है, मेरे पास सब कुछ है, मेगा स्फीयर मेरे पास इस टाइम पर 0 है, रेड भी हो गया भाई। एक ही टाइम पे सब होना है ना आज, मैं क्या करूँ? अभी बहुत सारे लोग मेरे ऊपर अटैक करने आ रहे हैं, अगर मैंने इन लोग को यहाँ उतारा तो ये लोग कहीं मेमोरेस्ट को ना मार डाले। प्लीज मेमोरेस्ट को मत मारना, तुम लोग रेड हो रही है सिर्फ उसे ही मारो। मैंने थोड़े बहुत लोग उतार दिए हैं और मेरे पास स्फीयर का वर्कबेंच पीछे है, ये रहा स्फीयर वर्कबेंच। अरे नहीं, अरे कहां गया? ओके ओके, ये रहा, ये है स्फीयर वर्कबेंच। यहां से मुझे मेगा स्फीयर बनानी है बहुत सारी, मैं एक ही बना सकता हूं क्योंकि मेरे पास आयरन इंगेट नहीं है यार, आज सब चीज की कमी आज ही होगी। टोटल 5 से 6 मैंने उस पे मेगा स्फीयर फेंकी है, तब भी वो नहीं मरा है मेमोरस। एक मेगा स्फीयर मेरे पास और आई है। गाइस देखो अपनी किस्मत इतनी ज्यादा भी खराब नहीं है, मेमोरस अभी भी कम एचपी में यहां पर घूम ही रहा है, अभी भी वो गया नहीं, हम लोग उसे पकड़ सकते हैं। मुझे बहुत सारा आयरन चाहिए, सब कुछ कर डालूंगा आज मैं पकड़ने के। आई थिंक रेड खत्म हो गया, मुझे अपने सारे पोकेमोन को वापस अंदर डाल लेना चाहिए ताकि कहीं वो गलती से मेमोरेस्ट को ना मार दे। मुझे इस टाइम पे कोई भी गड़बड़ नहीं चाहिए, ठीक है ना? तो सारे पोकेमोन चुपचाप से अंदर चलो, ठीक है? कोई भी बाहर नहीं घूमेगा। मेमोरेस्ट एक एचपी पे यहाँ पे घूम रहा है, आज इसे पकड़कर लेके जाएंगे तो जाएंगे, ठीक है? बात हो गई है यार, मैं पता नहीं आज पकड़ पाऊंगा नहीं पकड़ पाऊंगा, सस्पेंस में हूँ भाई, उसे इतनी कम एचपी छोड़ा हुआ है। भाई रुको यार, मेरे बैग में ना बहुत सारा सामान हो चुका है, पहले तो फालतू चीजें फेंको। क्या यार आज मेगा स्फीयर की जरूरत है तो है ही नहीं मेरे पास। वैसे सही बताऊं तो 6-7 था बट सारा यूज हो गया यार। चलो बहुत सारा मैंने यहाँ पर सामान इकट्ठा करा है, ये फालतू चीजें गिरा हो यार, इसका कोई काम नहीं है। अरे भाई भाग मत तू, एक सेकंड, भाग मत, भाग मत, भाग मत, भाग मत, एक मिनट रुको, क्या करूँ, बुलाऊं क्या वापस? जब तक इसमें ये रखता हूँ बनने के लिए, स्टार्ट प्रोडक्शन इसमें भी रख देता हूँ, मैक्स स्टार्ट प्रोडक्शन, और उसको बुलाता हूँ भाई मैं। अरे पता नहीं वहां तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, लगा मर मत जाइयो मेमोरस, प्लीज मेरा भाई है तू, मरियो मत। भाई मैं फुल लगा तो हुआ उसको मारने में बट कोई फायदा नहीं है यार, आज इसको जाने तो नहीं दूंगा बेटा मैं यहाँ से, तू यहीं पर रह, मेरे इलाके में घूम। अच्छा प्लीज आ जा, क्या कर दिया यार ये मैंने। अरे यार इसके लिए ना मुझे एक पोकेमोन उतारना पड़ेगा यार, मेगा स्फीयर बनाने के लिए मुझे एक पोकेमोन चाहिए होगा। मैं एक काम करता हूँ, मेमोरस से मर जाता हूँ अभी। ले भाई मार दे, मेरे को इससे मरना चाहिए 2 मिनट के लिए। एक तीर मार देता हूँ इसके लिए, मुझे मार दे, ले मुझे मार दे, मार। अरे नीचे मत चले जाइए, ऊपर ही रहे। अबे क्या पकड़म पकड़ाई खेलने आया क्या, मार मुझको। अभी कैसा सा है, ले तू नहीं मार रहा तो ठीक है मैं थोड़ा काम ही कर लेता हूँ। एक्चुअली सीन क्या है ना, मुझे यहाँ पर रूबी को उतारना पड़ेगा ताकि वो इसमें से आयरन इंगेट आग डाल के बनाए, बट मुझे, हाँ मार दे मार दे, थैंक यू। मार क्यों नहीं पाया, मार दे भाई, मार दे मार दे मार दे, बहुत बढ़िया। मुझे इससे मरना था, उसके पीछे एक बहुत बढ़िया रीजन है, मैं बताता हूँ। अभी क्या है, मेमोरेस्ट मेरे बेस के पास से भाग के भी नहीं क्या है, और मैं एक काम कर सकता हूँ, रूबी को उतार के और इसको उतार के जितना भी आयरन इंगेट है उस पर काम करवा सकता हूँ। ये लोग जाकर इसे बनाना चालू करेंगे, मैं खुद से नहीं कर सकता यार, और मेमोरेस्ट भी यहीं पर एकदम कम एचपी में। तो सारी चीजें उठा के वापस डाल लेता हूँ, जल्दी जल्दी आयरन बनाओ भाई, जल्दी जल्दी आयरन बनाओ। जब तक ये लोग आयरन बना रहे हैं मैं थोड़ा सा और यहाँ पर आयरन इकट्ठा करके लाता हूँ। मेमोरेस्ट भी कहेगा यार फाइट करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, जल्दी 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 भाई, बहुत सारी चीजें बनानी है यार अभी। चलो तो काफी सारा और आयरन इकट्ठा करा है, वो चुपचाप वहां खड़ा हुआ है कि तुम जल्दी से सामान इकट्ठा करके लाओ, मुझे मार के पकड़ो, क्या कर रहे हो? वही तो मैं भी कह रहा हूँ, लाओ ये सब दो मुझे फटाफट से, और थोड़ा सा और इसके अंदर, चलो बन गया ना, रुक जाइए, ले और डाल दिया। मैक्स जल्दी जल्दी से बनाओ, मैं चल के बहुत सारी मेगा स्फीयर क्राफ्ट कर लेता हूँ। ये रही मेगा स्फीयर, चलो भाई 5 मैं और बना रहा हूँ, प्लीज अभी तो पकड़ लेना चाहिए यार, वो जा रहा है यार यहाँ से, प्लीज जा मत मेमोरेस्ट भाई, प्लीज मत जा। एक क्राफ्ट हो गई यार, वो ज्यादा दूर चले जाएगा ना तो वो डिस्पोन ना हो जाए। चलो तो देखो 2 क्राफ्ट हो चुकी है, मैं वापस, अरे वो खाई में कूद रहा है, रुक जा मैं अपने पोकेमोन को ना वापस अंदर डालता हूँ। एक पोकेमोन को यहाँ पर बिठा दे जो हैंडवर्क करे ताकि वो जाके बनाए, मैं पकड़ने जा रहा हूँ उसे। नहीं यार अभी नहीं जाना चाहिए, वो वापस आ रहा है तो टेंशन नहीं है, और बना लेते हैं। गाइस आज आज वो दिन है, मैं इसे पकड़ सकता हूँ, मुझे बहुत फीलिंग आ रही है यार। एक और आ रहा है, आ रहा है, वो इधर ही आ रहा है। प्लीज मेमोरेस्ट आ जा यार, इतनी मेहनत क्यों करवा रहा है यार, पकड़ना चाह रहा हूँ मैं तुझे, इतना ज्यादा जाइंट लेवल पोकेमोन है भाई, कितना पावरफुल है यार ये। रात होने वाली है भाई, तीसरी रात हो चुकी है आज। चलो बढ़िया है, मैंने 5 और बना लिया है। ये मेरा दूसरा वाला पोकेमोन उसे मारे ना, इसके लिए मैं इसे अंदर बैठा देता हूँ और मैं इसे थोड़ी सी पिटाई करता हूँ इसकी, और अभी इसको पकड़ लेता हूँ। आ जा प्लीज, आ जा प्लीज 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 आ जा यार। ओ नहीं,
वापस आ, गंदी बात नहीं, मेरे को लग रहे हैं इसके चांसेस बढ़ रहे हैं। ओए हजा यार, हजा प्लीज 23 से आगे बढ़, 23 से आगे बढ़ गाइस। मुझे इसे और डैमेज देना है क्या यार, मर ही जाएगा फिर तो ये। आ जा यार प्लीज, आ जा भाई, थका दिया इस बंदे ने। हेलो भाई, पहली खत्म हो गई, अब मारेगा ये मुझे। ओ तेरी की, मेरा घर मत तोड़े ले भाई, मार ले भाई। यार ये पता नहीं क्यों मुझे इतना रुलवा रहा है यार। 3 मेगा स्फीयर और क्राफ्ट करते हैं, वो यहीं पर है अभी। अरे अभी ये स्टोन खत्म हो गया यार, मेरे पास स्टोन की भी कमी पड़ेगी क्या आज ही? स्टोन तो बहुत पड़ा हुआ, खैर लेकर आता हूँ। अरे यार कितना ही रुला रहा है यार ये मुझे, इसके मुंह के आगे इसको मारने के लिए जो चीज बनानी है वो। अरे अरे बेचारा वो परेशान हो गया मेरे बेस पे कि आखिर ये बंदा कर क्या रहा है, लड़ने आता है वापस चले जाता है चीजें क्राफ्ट करने। अरे वो जल गया, मर जाएगा वो। अरे यार एक सेकंड, ये कैंप फायर से जल के मर गया ना, किस्मत तो खराब है बट किस्मत से थोड़ा दिमाग चल गया मेरा। वेट, देखो मेरे को पता है मेरे साथ इतना दुख होते रहता है हमेशा, मैं जिस भी बड़े मॉन्स्टर से फाइट लेता हूँ वो मर जाता है, मुझे पता है ऐसा मेरे साथ होता है। गुस्सा आ रहा है भाई इस पे बहुत ज्यादा मुझे, मैं वहाँ पर बस चीजें ही क्राफ्ट करता रहेगा, भाई सब्जी मर गए। बट ठीक है, मेरे दिमाग में एक बहुत क्रेजी चीज आई है, अभी अभी चल के सोते हैं। पहले हट यहाँ से मेरे बेस के आगे से, निकल इसको नीचे फेंक के आओ, भाग यहाँ से। इतनी मेहनत करी मर गया ये। देखो इसको मारने का तरीका ना मुझे मालूम पड़ चुका है, बट मैं इसे उस तरीके से मार के पकड़ पाऊंगा या नहीं वो मुझे आइडिया नहीं लग पा रहा है। फिलहाल अभी एक बार ही सोते हैं। ओके गाइस गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे हो चुका है, मुझे सबसे पहले तो अपना आर्मर रिपेयर करना। भाई मेमोरिस्ट का मीट मिला भाई मुझे, कूलर में रखवा देते हैं भाई, ये तो संभाल के रखेंगे। तो बहुत सारी ना, मैं पहले तो ये बना लेता हूँ भाई, मेगा स्फीयर। ठीक है ये बना लिया, इसकी इतनी कमी पड़ी है ना भाई, मेरे से पूछो तुम। मेगा स्फीयर बनाने के लिए मुझे होता है बहुत सारा आयरन। तो चलो भाई एक काम करो, पहले तो सारे पैल जो भी छुट्टी पे देना काम पे लगो, किसी काम तो आए नहीं यार तुम लोग। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे पास इतना सारा वुड है, कांग्या है यार मुझे मालूम है। रुको यार, पहले तो ना एक चेस्ट बना के फालतू की चीजें जो बनानी है उसे बाहर करूँ। ये यहाँ पर ही बना रहे थे, इसको बनाओ भाई फटाक से। मैं अपने बैग में इतना वेट लेके घूम रहा हूँ, थक चुका हूँ भाई, तो ये फालतू है ना, सारा आइटम निकाल दे रहा हूँ मैं यहाँ से। तो गाइस अभी ना मेरे माइंड में एक न्यू प्लानिंग आई है, तो उसके लिए सबसे पहले तो मुझे अपनी वही वापस पोकेमोन की वेलर टीम चाहिए होगी जो मेरी मेन टीम है। तो अपने 5 ये मेन पोकेमोन को मैं डाल लेता हूँ, इसमें रहेगा रॉबिन को लिया। ठीक है, तो अभी मैं इन सभी पोकेमोन्स को लेकर जाने वाला हूँ उस बड़े वाले मेमोरस से फाइट कराने के लिए वापस से। मुझे मालूम है मैं उससे कई बारी पिट के आया हूँ, बट इस बारी मेरे माइंड में जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। लास्ट टाइम ये जो मेमोरस था ये वो जो कैंप फायर है उसमें जल के मरा था ना, तो क्यों ना इसको कैंप फायर में ही जला के मारा जाए। तो सबसे पहले ना खाना खा लेता हूँ बहुत सारा, मुझे नहीं पता ये प्लान कितना वर्क करने वाला है, इससे मेमोरस मरने भी वाला है या फिर नहीं। बट लास्ट टाइम मैंने ये चीज नोटिस करी थी कि जब वो उससे जला था तो उसकी एचपी बहुत तेज कम हुई थी, तो क्यों ना मैं एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे कैंप फायर बनाऊं और फाइट करते हुए इसको वहां पे बुला लूं ताकि बहुत ज्यादा जले और मरे। तो देखो मैंने ये चीज देखी है कि जब भी मेरे से फाइट करता है ना तो हमेशा फाइट करते हुए भागता भागता यहां तक तो आता ही है, ये वाली चढ़ाई था। तो इस वाली चढ़ाई के सामने जो जितना एरिया यहीं पर मैं बहुत सारा कैंप फायर बना दूं, या फिर वहां पे भी नहीं जिस एरिया में ये नॉर्मली घूमता रहता है उधर ही बना दूं क्या? क्योंकि शायद से जब ये कैंप फायर से जलेगा तो ये मुझ पे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि वो इसकी खुद की गलती होगी ना आग पे जो चल के गया है। तो ये इसका एकदम बेसिक एरिया ना, यहाँ पे बनाते हैं बहुत सारा कैंप फायर। ओ वेट एक सेकंड, यहाँ पे मैं इसे नहीं बना सकता, स्ट्रक्चर्स आउटसाइड, ओ मैं इसे किसी बेस एरिया के बाहर जैसे कि यहाँ पे मैं इसे बना सकता हूँ। ये भी भाग के गया है सामने, और मैं अगर बहुत सारा कैंप फायर यहाँ पे बना दूं और इसे ओ भाई बहुत टाइम लगेगा इसे तो बिल्ड करने में, बट अगर मैं इसे बिल्ड करूं तो क्या ये जलेगा यार? उस थोड़ा सा साइड से चला गया यार इससे। अरे यार मैं इसके आगे खड़े हो जाऊं तो मुड़ता है, मुड़ उधर वही तो खड़ा ही हो गया मेरे आगे। रुको यहीं पे बनाते हैं, इसके पैरों के एकदम नीचे बनाऊंगा भाई, आज ये जलेगा आज मैं इसको। अरे यार रुक जा यार, इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं, तू चले जाता है भाई। आज मैं कुछ तो जादू मंत्र करने वाला हूं इसको मारने के लिए। वैसे एक और चीज, अगर मैं अपने साथ इसको उतार लूं तो ये ना हैंडवर्क करवाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कैंप फायर बनाना चाहता हूं इधर तो ये भी मेरी हेल्प करेगा। ये देखो तो कैंप फायर जल्दी जल्दी बनेगा, तो मैं पहले बहुत सारे इधर बना लेता हूँ ताकि उसे बनाता रहे। एक इधर बनाना है, एक इधर बनाना है। अबे तो खुद तो नहीं जलेगा ना इससे? भाई हमने सच में बहुत सारे कैंप फायर बना डाले भाई इधर, अब अगर ये आया ना तो मजे आने वाले। अभी मटेरियल खत्म होगा बट कोई नहीं भाई, मटेरियल की कमी नहीं है, पेड़ ही पेड़ है, काट डालेंगे। चल भाई बना इधर, एक और ले इधर, बना एक और ले। चल खत्म हो गया ना, और लकड़ी तोड़ो भाई। अभी मैं अपने लिए एक दीवार भी बनाऊंगा ताकि जब वो मेरे से लड़ने आए मैं तो उससे कवर ले सकूं। आज इसको मारेंगे भाई, आज बहुत हो गया इसका। वैसे मार तो हमने दिया ही है बट वो हमारे हत्थे नहीं लगा, उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी। अपने को चाहिए एक वुडन वॉल विद विंडो। वो बेटे से यहाँ नहीं बना सकते क्या? पहले फाउंडेशन बनाना होगा ना, तो ये बना भाई। चाहिए वुडन वॉल विद विंडो, इसको बनाएंगे यहाँ पे। चलो अब बुलाते हैं मेमोरिस्ट को ऊपर। अबे तू तो जल रहा है, वापिस आ। आजा भाई मेमोरिस्ट, तेरे लिए हमने ऊपर जादू टोना तैयार कर जला के मारेंगे आज तेरे को। आजा, जब तक भाग के आएगा तब तक तो कितने तीर बजा दिए। चलो गाइस, हमने उसको मारने के लिए जो हिसाब तैयार करा था वो वहां पर आ रहा है जलने के लिए। देखते हैं कि आखिर वो जलता है या क्या होता है। बेटे यार मुझे ना ये वाली दीवार नहीं बनानी चाहिए थी,
ज्यादा ही आर पार का दिख रहा है। रुको जल्दी से मैं एक नया फाउंडेशन रेडी कर देता हूँ। अबे वो एक मिनट, ये तो बहुत शाना है, आग के बगल से चल कर आया है। अरे इसमें से बीच में से चल कर आना। अबे भाई उस टाइम तो जल गया था इसमें से आके। जल 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 चल ना यार, ये तो बहुत तेज है यार, आ ना जल जाना यार एक बारी। भाई रुको रुको रुको, गर्मी से मैं मरने वाला हूँ। अच्छा मैं जला पड़ा हूँ, अगर मैं यहाँ पे भूशी को उतार दूँ तो क्या भूशी से मारेगा? वो जल रहा है भाई, वो उसकी एचपी बहुत कम हो गई है। भाई मेमोरस कुछ ज़्यादा समझदार बन रहा है अपने आप को। भाई देखो जल तो रहा है, वो मार दिया भले ही मुझे उसने, बट वो इस चीज़ से जल तो रहा है। लास्ट टाइम यार वो मेमोरिस्ट अगर मैं पकड़ लेता ना उसे, मैंने इतनी मेगा स्फीयर फेंकी है ना उस पर, पूछो मत यार, कोई हद नहीं है। वैसे वो आइडिया तो अच्छा था उसे अपने बेस पे लाके उसे पीटना, बट सक्सेसफुल नहीं रहा। फिलहाल ये वाला जो मेमोरिस्ट है ये उधर ही अटक गया क्या? अरे कहाँ चला गया? अच्छा नीचे है, वही मैं कहूँ। क्या यार इसको मारने के लिए क्या क्या नहीं किया भाई मैंने, एचपी फुल ही हो जाती है भाई इसकी, कितना भी जल जाए कितना कुछ हो जाए फुल एचपी में घूमते हैं भाई साहब। इससे लड़, अरे घर जल गया। भाई मैं जल रहा हूँ पानी में कूद जाऊँ क्या? तो मुझे क्या दिक्कत हो रही है, मेरे में आग क्यों लग रही है भाई बात बात पे? अरे मैं तो मरने वाला हूँ, पानी में डुबकी मार लेता हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्यों जल रहा हूँ। मर गया भाई, पानी में मर गया, क्या दिक्कतें हो रही है मेरे साथ यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। भाई इसको पकड़ने के लिए ना मैं अभी एक और ट्राई करने वाला हूँ, और इस बार ना मैं एक थोड़ा डिफरेंट पोकेमॉन ले जाऊंगा अपने साथ, जो कि है ये उड़ने वाला। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार मेरी बॉडी में आग क्यों लग जा रही है यार बात बात पे। अब पानी में बैठा हूँ तब भी मेरी बॉडी जल रही है यार। हाँ अब जाके बुझी। भाई मैं इसको एक और बार मारूंगा, देखते हैं भाई आज क्या कर क्या लेगा, मेरे को ये देखना है। अबे यार एक तो मेरा सारा का सारा सामान भी पानी में गिरा हुआ है, लास्ट टाइम स्टैमिना था नहीं, मैं पानी में कूद गया, स्विमिंग कर नहीं पाया, मर गया डूब गए। बट देखते हैं सामान पानी में ही है क्या अभी भी? वो नहीं, वापस से जमीन पे आ गया। ठीक है थैंक यू, वापस दो मेरा सामान सारा। चलो ऊपर मैं आ चुका हूँ, मैंने जो प्रॉपर्टी बनाई थी सारी की सारी जल के टूट गई है भाई। इस बार एक बार और बनाते हैं, और थोड़ी सी मैं ना पीछे करके बनाता हूँ, एक ये लगाते हैं, एक ऐसे लगाता हूँ, और एक बना देते हैं सीढ़ी। अच्छा ये तो बाहर के लिए है। अच्छा मैं इसके आसपास जाता हूँ, मेरी हेल्थ कम हो जाती है यार, इतनी गर्मी है क्या? मेमोरेस्ट आजा दोबारा से लड़े। भाई क्रॉसबो निकालते हैं इस बारी। आ रहा भाई ये लड़ने आ रहा, समझदार बहुत ज्यादा भाई ये तो मेरे को मानना पड़ेगा, फायर में से आता ही नहीं है भाई वो। आजा इधर से, एक बारी फायर में से आए ना मजा ही आ जाएगा। वाओ बना दूंगा भाई ये यहाँ पे बन जाना, जलेगा ये पूरे टाइम। मेरी हेल्थ बहुत कम हो गई है, बट मैंने जो चीज़ बनानी थी बना दी है, जल रहा है वो, बस मेरे को पूरे टाइम सेफ रहना है अब। अबे मार उसको, अबे क्या पागल है भाई ये, वो जल रहा है भाई, ये कैसा पागल पोकेमोन है भाई ये, मार उसे। भाई मैं कैसे कोपचे में ला के लड़ाई करा रहा हूँ इनकी, भाई मैं तो पानी में कूद जाऊँगा, मेरी पिटने की बारी आई तो। ले ओ वेट गाइस, अपनी किस्मत दोबारा से चमक गई क्या? यहाँ पर एक और मेमोरिस्ट, मैं पता है बोलने ही जा रहा था कि मैं ये मेरा आखिरी ट्राई है, इसके बाद मैं मेमोरिस्ट को मारने का ट्राई नहीं करूंगा, बट मैंने अभी भी देखा कि इधर एक और मेमोरिस्ट स्पॉन हो चुका है, यानी कि अभी भी कुछ कुछ चांसेस बचे हैं भाई, लेट्स गो। भाई 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 आज अपनी किस्मत में लिखा हुआ है, मुझे लग रहा है भाई, सच में ऐसे अभी फीलिंग आ रही है। भाई भाग के चलते हैं, वो बड़े वाले मेमोरिस्ट को छोड़ो, वापस से जो अपने घर के पास स्पॉन हुआ है, जिसको मैं अपने बेस तक ले जा सकता हूँ, उसी को पकड़ते हैं। एक तो यार मेरा सामान कहाँ ड्रॉप हुआ, ये देखो इधर, ये कूद के भी मिलेगा क्या? ओके तो ठीक है, सारा सामान उठा लेते हैं और अभी यहाँ से वापस निकलते हैं। भाई ये सब मैंने क्या क्या बना रखा है यार उसे मारने के लिए, बट ठीक है यार अभी मजे आने वाले हैं, वापस से उसे बेस पे ले जाके उसकी अटैक उसकी फाइट करवाएंगे। बट ठीक है यार अब मजे आने वाले हैं, इसे वापस से लेकर जाएंगे अपने बेस पे, दोबारा से फाइट करेंगे, बट इस बार ना मैं वो मिस्टेक नहीं करने वाला हूँ। मैं पहले से बहुत सारा आयरन इकट्ठा करके ढेर सारे मेगा स्फीयर बना के रखूंगा, कम से कम 10 तो मुझे चाहिए। देखो मेरे पास 2 हैं, 2 मैंने बनने के लिए रखे हैं, मुझे और चाहिए होंगे लेकिन, तो आयरन इकट्ठा करते हैं। रात हो रही है कोई बात नहीं, उसे पकड़ कर रहूंगा मैं। एक बार ना वापस से चलते हैं बेस पे, क्योंकि जिस पिकैक्स से मैं बहुत सारा आयरन इकट्ठा कर रहा था भाई, वो पिकैक्स ही टूट चुकी है अभी। बाय द वे वो जो बड़ा वाला मेमोरिस्ट था ना, वो भी मुझे अभी नजर नहीं आ रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया, बट जो भी है मेरे हिसाब से कहीं ज्यादा दूर नहीं गया होगा, यहीं कहीं होगा, अगर था तो वो पक्का यहीं कहीं होगा। भाई मैं सही बता रहा हूँ, मुझसे ज्यादा कोई एक्साइटेड नहीं होगा उसे पकड़ने के लिए, मेरे को तो भाई फेवरेट हो चुका है वो। तो पहले सारी चीजें रिपेयर कर लेते हैं, और मुझे ना एक मेटल का पिकैक्स बनाना है, जिसके लिए शायद से मुझे आयरन लगेगा। चलो एक बार ही फटाफट से सो जाते हैं, और फिर नेक्स्ट डे उठ के बहुत सारा मेगा स्फीयर हमें बनाना है, और वापस से उस बॉस पोकेमोन, अरे क्या यार कहाँ का बॉस, मार तो वैसे हमने दिया ही था उसको, बट इस बार दोबारा से मारेंगे।
अपने पास जितना ज्यादा आयरन होगा उतनी ज्यादा मैं मेगा स्फीयर बना पाऊंगा और उतने ही ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे उसको पकड़ने के, क्योंकि यार मेमोरस्ट यार एक बार में आता ही नहीं है। लास्ट टाइम भी हमने 6-7 बार ट्राई करा था तब जाकर वो आया था, मतलब आया का ही था यार, मतलब थोड़े से 25% चांस पहुंचे थे। चलो ठीक है, ये तो मैंने बहुत सारा तोड़ के इकट्ठा कर लिया है, अभी मुझे उसे ढूंढ के लाना है। बट उससे पहले मैं यहाँ पर जितना भी बना है सारा क्राफ्ट करता हूँ, नया वाला लगा देता हूँ बनने। स्टार्ट प्रोडक्शन, मैक्स स्टार्ट प्रोडक्शन। चलो अभी बहुत सारी मैं मेगा स्फीयर बना लूंगा, 10-15 यहाँ पर भी एकदम मैक्स जितनी बन सकते बनने लगा दिए। अब ढूंढ के ले आऊं क्या उसे मैं? भाई एक सेकंड, अपने साथ स्कैम ना हो जाए, पता चला मैं उसे ढूंढने निकला वो गायब है। वैसे भी आज के दिन हमने कुछ करा ही नहीं भाई, जब से ये वीडियो चालू है तुम लोग भी देख रहे होगे, बस मैं इसे ही पकड़ने में लगा हूं, कभी आग लगा के, कभी तीर मार के, कभी कुछ करके, भाई कितने एक्सपेरिमेंट कर लिए मैंने। अरे यार वेट एक सेकंड, कहां पर गायब हो गए भाई साहब? मुझे ना अपने साथ टॉम को रखना चाहिए, टॉम डिटेक्ट कर लेता कि कौन सा कहां पर घूम रहा है। लास्ट टाइम वो मुझे नीचे यहीं पर घूमता हुआ तो दिखा था, बट अभी गायब है यार। अरे 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 हेलो, उससे इतनी उम्मीदें जागी है मेरी। यहां पर एक तो ये घूम रहा है, ये तो है बॉस वाला 38 लेवल का। हमें जो रात में वापस में दूसरा वाला दिखा था वो कहां पर है? इससे बढ़िया तो मैं उसे फाइट करके अपने बेस के पास ले जाता, मैं सोचा यहीं कहीं मिल जाएगा यार। ओ वेट वेट, कहीं से आवाज आ रही है, मुझे कहीं से आवाज आ रही है। एक मिनट, ओ वो चिकी पी स्पेशल वाली है, मुझे इसे पकड़ना चाहिए, ये लकी चिकी पी है। ओए ये कुछ अलग थी, आ तो जाएगी वैसे, कैप्चर होगी ठीक है। इसमें से साउंड इसलिए आ रहा था क्योंकि ये स्पेशल वाली चिकी पी थी, बट यार चिकी पी की भी मैं पकड़ता रहूंगा। मुझे रात में मुझे मेमोरस दिखा था, कहाँ चला गया? अबे यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ स्कैम? गाइस मुझे वो सपना तो नहीं आया था ना, जैसे होता है ना डेजर्ट में बंदे घूम रहे होते हैं प्यास लगती है तो उन्हें पानी दिखता है कहीं पर भी, मेरे साथ वो तो नहीं हो गया? वीडियो रिवर्स करके देखूं क्या मैं? ओए वेट, वो वापस है? ये क्या हो रहा है, रिवर्स चल रही है क्या दुनिया? गाइस 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 कुछ तो गड़बड़ हो रही है भाई, ये क्या है, वापस से वो मेमोरस मुझे वहां पर क्यों दिख रहा है? ये ग्लिच है क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम, बट अभी जो भी है बहुत ज्यादा अच्छा है। मुझे बहुत सारी एरो बना लेनी चाहिए, बट एरो बनाने के लिए ज्यादा मटेरियल ही नहीं है। मेरे को वुड और स्टोन चाहिए ना, रुक जाओ मैं वुड और स्टोन लेकर आता हूँ, कोई कमी नहीं है मेरे पास वुड और स्टोन की। ये रहा बहुत सारा स्टोन, चलो पूरा बस्ता भर के मैंने वुड और स्टोन इकट्ठा कर लिया। मुझे मेमोरस्ट वापस वहां से वहां पे दिख गया, और इस बार तो मेरे पास बहुत सारी मेगा स्फीयर भी रहेंगी। पहले मैं बहुत सारी मेगा स्फीयर बना लेता हूँ क्योंकि वो कहीं नहीं जाने वाला, मुझे अच्छे से मालूम है। इस बार कोई मिस्टेक नहीं करनी, अगर हो गई तो मैं मेमोरस्ट को पकड़ने ही नहीं वाला दोबारा, ठीक है। 5 मैं और बना रहा हूँ यहाँ पे, देखो ऑलरेडी मेरे पास 6 है, 5 मैं और बना रहा हूँ। टोटल 11 मेगा स्फीयर मैं यूज करूंगा उसको मारने के लिए, और मैं वापस से अपने पोकेमोन्स की हेल्प नहीं लूंगा, मैं अकेले ही मारने की उसे कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अकेले मारता हूँ ना उसे थोड़ा थोड़ा डैमेज मिलता है और वो कहीं पर भी इधर उधर भागता नहीं, चुपचाप से पिटाई खाता है। चलो तो टोटल 5 मेगा स्फीयर मैंने और बना ली है, और इसको मारना चालू करते हैं अभी फटाक से। ये ले, उसे मालूम पड़ चुका है कि उसकी पिटाई होना चालू हो गई। मेरे बहुत सारे छोटे पोकेमोन है, ये लोग मारे तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट यार इस तरीके से तो सुबह हो जाएगी उसे मारते मारते। नाइस, ये बहुत अच्छा अटैक है जिसने भी करा है। भाई मेरे छोटे छोटे पोकेमोन भाग के जा तो रहे उसे मारने के लिए, रुक जाओ। अगर मेरे पास ये फायर वाला जो है इससे उसे जला तो सकता ही हूं ना मैं। अच्छा देखो जल गया वो, अभी उसकी जल्दी जल्दी हेल्थ कम हो रही है। फायर एरोस तो मेरे पास भर भर के पड़ी हुई है भाई। अगर मैं रोबिन क्विल को भेज दूं मारने के लिए, या फिर अगर मैं इसको यहाँ पे भेजूँ तो क्या ये यहीं से मारेगा उसको? नाइस, बहुत सही, बहुत ही सही। मैंने अपना एक और पोकेमोन छोड़ा हुआ ताकि इसे जल्दी जल्दी मारे, बट ये भाई साहब जी ऊपर क्यों जा रहे हैं? वापस आओ, यहीं से मारना है, ऊपर नहीं जाना, धक्का मुक्की दे देगा पहाड़ से गिर जाएगा, अपने को दिक्कत हो जाएगी। देखो यार मुझे ना एक और चीज करनी है, जब तक ये उससे फाइट कर रहा है मैं अपने बाकी सारे पोकेमोन को ना अंदर कर देता हूँ वापस से, क्योंकि ये उसे मारने लग गया ना दिक्कत हो जाएगी। चलो वापस से उसे मारना चालू करो। चलो चलो चलो, वो ना बहुत ज़्यादा कम एच पी में हो चुका है, और इस टाइम पर मेरे पास जो एरो है ना, जो बो है वो फायर वाला है, तो मैं सोच रहा हूँ एक नॉर्मल बो रखूँ ताकि, नहीं यार नॉर्मल बो भी नहीं, अरे वो वापस से कहीं ज़मीन में चला गया यार। रुको 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 रुको, अरे अरे ये क्या हो रहा है, वापस आओ एलिफेंट बेटा, अंदर नहीं जाने का, बदतमीजी करने। अभी एंड मोमेंट तुम ग्लिच व्लिच मत होया करो। एक मिनट रुको, मैंने पहले से वॉल से बाहर निकालता हूँ 0%। अरे इससे नहीं, इससे बाहर निकलेगा। अरे यार ये क्या हो गया, एक बॉल ऐसी वेस्ट हो गई। यस, अरे ये क्या हो रहा है यार। ओके वो बाहर आया, एटलीस्ट मैं इससे मर जाऊँ चलेगा, बट ये मेरे से ना मरे। प्रैक्टिकली तो मैं इससे अकेले भी लड़ सकता हूँ, अगर मेरा वेपन बहुत ज़्यादा पावरफुल हो ना तो मैं इसे मारूँ गंदी तरह। यार मैं उसे एक एक का ही डैमेज दे रहा हूँ, पता है यार अभी वो बहुत लो है यार, वापस से वो मर जाएगा पता है, मुझे लग रहा है मेरे हाथों से। मैं उसको धीरे धीरे लो करूँगा और एकदम कम एच पी में पकड़ूंगा। देखो अभी बहुत कम एच पी है, मैंने ग्रीन बॉल फेंका, 3% बढ़ जा प्लीज़, बढ़ जा, वेरी गुड। ले एक और बारा, नाइस, नहीं आएगा भाई, ये आज आएगा ही नहीं, मरेगा ये पता है। आ जा यार, कोई भी पोकेमोन आ जाए यार, इतने में ये मरने वाली हरकतें कर रहा है भाई ये।
अरे आ जा यार, इतना तो किसी पे टाइम स्पेंड नहीं करा भाई। ले भाई सारी मेगा स्फीयर ही खत्म करा दी, अब वापस आयरन वायरन इकट्ठा करो भाई। कितना डैमेज दूँ भाई इसको मैं? ये क्या पोकेमोन है, किलसार है भाई मेरी तो बहुत ज़्यादा। ओ भाई जल के मत मर जाइयो इस बारी। इसको ना मैं पहले यहाँ से दूर ले आता हूँ अपने बेस से, ताकि ये जल के ना मरे, एटलीस्ट वहाँ पे फायर है। तू इधर से आ भाई। भाई क्या डिफिकल्ट हो रहा है यार, इससे बच्चों की तरह लड़ना पड़ रहा है। नीचे से मत आइयो भाई, वहाँ से जल जाएगा। रुको गाइस, मुझे थोड़ा सा और आयरन चाहिए होगा। चलो ठीक है, अभी वो काफी सही रस्ते से आ रहा है मेरे पास। क्या भाई कितनी सारी मेगा स्फीयर बनाई थी, मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनों की जरूरत भी पड़ेगी। और अभी मेरे पास ना आसपास आयरन भी नहीं नजर आ रहा है, इतनी खराब किस्मत है। मैं आयरन लेने, एक मिनट, वो सामने चेस्ट है, चेस्ट खोल देता, क्या पता बहुत सारी मेगा स्फीयर मिल जाए भाई। एक भी मिल जाए ना मैं दोबारा चले जाऊंगा। गीगा स्फीयर मिल जाए तो और मजे है। स्टोन मिल रहा भाई, वेरी गुड। नहीं तुम देख रहे हो ना क्या किस्मत है, कर क्या रहा हूँ भाई मैं गड़बड़। उसकी एक एचपी में भी उसे ना पकड़ू क्या? अब इतना दूर आया हूँ, हो सकता है कि उसकी एचपी बढ़ गई हो या फिर वो वहां से चला गया हो। अपनी किस्मत में नहीं है भाई वो। दोबारा से जाऊंगा, उससे मरूंगा, सारी चीजें दोबारा क्राफ्ट करूंगा। चलो भाई, बहुत बहुत ही सारा आयरन मैंने तोड़ लिया, मुझे और नहीं चाहिए। मुझे अभी बस वापस जाना है और देखना है कि कहीं वो इधर उधर ना चले जाए यार। और मुझे तो बहुत ज्यादा लग भी रहा है कि शायद से वो चला भी गया होगा यार। और अगर नहीं भी गया होगा तो उसकी एचपी तो 100% बढ़ गई होगी। लेट्स सी, गायब है देखो, मुझे लग ही रहा था। हो गया भाई वो गायब इधर उधर। नहीं यार क्या तरीका है भाई उसको पकड़ने का? गीगा स्फीयर लेकर आनी पड़ेगी क्या? प्लीज यार दिख जा कहीं इधर उधर, दिख जा, पकड़ लूंगा मैं। हेलो भाई सही में चला गया क्या? नहीं प्लीज यार। अबे यार नहीं, वो चला गया, सच में नहीं है भाई वो आसपास भी मेरे। हेल्थ बढ़ाना छोड़ो, वो गायब हो चुका है। हाँ काफी दुखद दिन है भाई ये वाला तो। तीन बारी, दो बारी मैंने उसको एक एचपी करके छोड़ दिया। एक बारी तो मार दिया, मारा भी क्या, गलती से मर गया, मैं तो बस मेगा स्फीयर बना रहा था। और दूसरी बार भाई वो गायब भी हो गया। और ऐसा नहीं है कि मैंने कोई गलती करी भाई, मैंने हर बारी उसको एक एचपी करके 10-10 मेगा स्फीयर उसके मारी है यार। वो अंदर जाके वापस आ जा रहा है। बट इतना तो मुझे पता लग गया कि यहाँ पर वो घूमते रहता है इधर उधर, और मैं उसे अपने बेस पे लाके उसकी फाइट करवा सकता हूँ। वेट, वो सामने ही घूम रहा है, वो देखो उसकी हेल्थ फुल हो चुकी है। एक काम करता हूँ, इस बार उसकी मैं ना फाइट सबसे करवा देता हूँ, बट उससे पहले चीजें बना लेते हैं। अभी अपने पास एक और मौका बचा है, ऐसी बात नहीं है। चलो भाई, जो लोग फायर वायर का काम करते हैं सारे उतरो, चीजें कुक करनी है और मेगा स्फीयर बहुत सारी दोबारा से बनानी है। इस बार मैं इस मेमोरस की फाइट दोबारा करवाऊंगा। मैक्स जितनी बननी है बनाओ, इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ ढेर सारा आयरन। बनाओ भाई इसमें भी मैक्स बनाओ। चलो 10-11 वापस से बनना चालू हो गई है। अभी एक काम करता हूँ, अपने पोकेमोन उतार देता हूँ तगड़े वाले, या तो रुक जाओ पहले बन जाने देते हैं, क्योंकि अगर मैंने इसे फाइट ना तो सारे के सारे उसको मारने में लग जाएंगे। तो बेटर ये है कि जब तक मैं बाकी चीजों पे ध्यान दे लूं। नॉर्मल एरो बनाने के लिए मुझे बहुत सारा स्टोन चाहिए ना। रुको स्टोन लाते हैं, यहाँ पे स्टोन होना चाहिए बहुत सारा है। ओके ठीक है, 500 स्टोन। अरे 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 इतना नहीं चाहिए, रुको मैं थोड़ा सा गिरा देता हूँ। पूरा का पूरा बैग ही भर गया था यार मेरा तो स्टोन से। चलो मुझे चाहिए बहुत सारी एरो। स्टार्ट प्रोडक्शन, इधर से भी एरो बनाओ। चलो आयरन तो बहुत सारा बन गया होगा यहाँ पर, ये ले लेता हूँ, ये भी ले लेता हूँ, और इधर भी लगा देता हूँ बनने के लिए अपनी मेगा स्फीयर। 11 मेगा स्फीयर बन रही है भाई यहाँ। अब रात और दिन और जो भी टाइम चल रहा है मैं उससे फाइट करूंगा। एक काम करता हूँ, वो यहाँ से दूर जा रहा है, उसको थोड़ा पास बुला ही लूँ क्या, ज्यादा दूर भी ना भागे ना। गिर ले, अरे बच गया। कहाँ भाग रहा है मेमोरस? इधर आ, इधर आ, इधर आ। छोड़ूंगा नहीं बेटा आज मैं तेरे को। गिरा, चला जा, लड़ाई करवा दिया गाइस मैंने। और अब मैं वहां पर जाकर अपने सारे तगड़े तगड़े पोकेमोन्स को निकालने वाला हूँ। भाई यहाँ पर एक नहीं दो नहीं बहुत सारे घूमते रहते हैं। देखो एक वहां पर भी है, ठीक है मेमोरस की टेंशन नहीं है, एक ना एक दिन हम इसे पकड़ ही डालेंगे। अभी इतना तो मुझे समझ आ गया। धड़ाधड़ मेगा स्फीयर भी बहुत सारी बन चुकी है। ओ भाई इन्होंने तो बहुत तेज काम करके बना दी। अरे लड़ने नहीं आया, क्या बात होगी भाई, डर गया क्या? या तो इस भाई सब्जी को रास्ता ही नहीं समझ आया। आना ऊपर लड़ने, ऊपर आ भाग के, क्या हो गया, हालत खराब हो गई? गाइस देखो रात का टाइम हो रहा है, मेमोरस से एक और नई फाइट हो चुकी है। इस बार ये पिटेगा, इसका बहुत हो गया भाई। अब वहां से मत लड़, ऊपर आ। अबे बेस पे चल मेरे लड़ने, इसको मैं फाइट कराता हूँ इसकी मुसांडा लग से। अरे भाई वो तो डैमेज खा गया। गाइस अभी ना ये भाग के हमारे बेस पे आ रहा है। इतनी देर से ना वहाँ पे दीवार पे अटक के लड़ रहा था, बट अभी इसको शायद से ज्यादा ही गुस्सा आ चुका है, तो ये भाग के हमारे बेस पर आना चाह रहा है। बट इसे पता नहीं है बेस पर कितने खतरनाक लोग हमने सुला रखे हैं, वो लोग जगह भी नहीं है अभी। बट ठीक है तू आ जा बेटा, पिटने तो वाला ही है, चाहे जिस मर्जी से भिड़ ले। बस मुझे ये ध्यान रखना है कि ये लोग इसे पूरा ना मार डाले, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो सबसे पहले इन सब लोग को मैं कर देता हूँ अंदर, ठीक है, और इन सब लोग को कर देता हूँ एक साथ बाहर, ताकि ये कर दे इसकी बहुत गलत कुटाई। ओ भाई नाइस, बस, मर जाएगा, बच गया। जाओ एक दो लोग जाओ, बस वापिस, बहुत सही मारा तुम लोगों ने, अब तुम्हारा भाई आगे का देखेगा। अरे मैं कैसे देखूंगा, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। आ जा, बस ये आता ही तो नहीं है, मरने वाली इसकी हरकतें हैं।
अरे का डंडे से मारूं क्या भाई इसको मैं? अरे जल के मत मर जाइयो, यहां से दूर हो जा, आ गया इधर भाई। अभी ना उसकी एचपी इतनी ज्यादा कम है कि वो दिख भी नहीं रही है मुझे। आ जा यार, आ जा प्लीज, आ जा भाई प्लीज, आ जा, रिक्वेस्ट है। लेट्स गो भाई, रिकॉर्ड हुआ ना सब कुछ, फाइनली फाइनली कैप्चर कर लिया भाई। यार रुला दिया था यार उसने, और बिलीव ही नहीं हो रहा भाई ये, क्योंकि इसके बाद मेरे पास सिर्फ एक मेगा स्फीयर और बची थी। आज तुम मानोगे नहीं भाई, मैं एक मिनट रुक जाओ। मैं लेजिट 3 से 4 बारी हार मान चुका था कि नहीं हो पाएगा भाई, मैं नहीं कर रहा आज, बट फाइनली हमने कर लिया। ओ भाई लेट्स गो लेट्स गो, मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि अपने पास वो आ चुका है एक बारी चल के। ओ भाई ये क्या है, उसने हमारे घर को बहुत डैमेज करा, ये देखो आधे से ज्यादा चीजें उसने तोड़ डाली है। जहां जहां पे वो अटैक कर रहा था वो सारी चीजें टूटती गई है। मैं सो जाता हूँ एक बारी, मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि हम लोगों ने मेमोरेस्ट को कैप्चर कर लिया भाई। लेट्स गो वेट, कहाँ पर है वो? ओह भाई ये रहा, इसका डैमेज वगैरह भी बहुत कम हो रखा है, क्योंकि देखो सीन क्या होता है ना, ये 33 लेवल का पोकेमोन था, बट मेरा लेवल अगर 19 है तो ये मेरे लेवल के साथ सिंक हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। अगर तुम देखोगे ना इस पे लेवल 19 रेड कलर में लिखकर आ रहा है, बट बाकी पोकेमोन पे व्हाइट में लिखकर आ रहा है। मींस अभी है वो लेवल 33 का, बट वो अभी डाउनग्रेड हो रखा है। जैसे जैसे मेरा लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे उसका भी लेवल बढ़ेगा, बट अभी ये अपना पोकेमोन हो चुका है। ये देखो ये है अपना मेमोरेस, मैं जो बोलूंगा वो करेगा। अभी फिलहाल कहाँ जा रहा है भाई, पानी वानी डालने जा रहेगा, नहाने तो नहीं जा रहा था। ओके ये हमारे लिए थोड़ी बहुत फार्मिंग भी करेगा, ये देखो यहाँ पर प्लांट प्लांट लगाना इसने चालू कर दिया, बट मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि हम लोगों ने मेमोरेस्ट को पकड़ लिया भाई। लेट्स गो, मजा आ गया भाई, मैं सच बता रहा हूँ। इसके बाद अगर मैं इसके ऊपर एक भी हिट करता ना ये वाला भी मर जाता, बट ठीक है आज का दिन अपना सक्सेसफुल हुआ, हमारे डे में मेमोरेस्ट आ चुका है। अपनी न्यू गैंग अब होगी, रुको रुको रुको, मेमोरेस्ट और मैं रखूंगा, एक मिनट रुको, अरे कहाँ चलेगा अपने सारे, मैंने तो जल्दबाजी में पूरी मिक्स कर दिया भाई सारे पोकेमॉन्स। हाँ तो मैं रखूंगा बुशी को एंड मुसांडा तो देखो अपना फेवरेट है, और आएगा रॉबिन क्विल और एक ये, तो ये अपनी न्यू गैंग। मैंने अगर निकाला है तो निकाला है इसको, लूप मून था ना वो, ये रात वाला, ये इसको मैंने अपनी टीम से फिलहाल के लिए निकाल दिया, बट जो भी है अपने पास भाई मेमोरेस्ट आ चुका है, और ये है अपनी अभी के लिए न्यू गैंग। वैसे जो अपना मुसांडा लक्स है ना ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसका एक्चुअल लेवल पता है क्या चल रहा है, इसका एक्चुअल लेवल 20 है और ये अभी 19 का हो चुका है, तो सिंक हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक पोकेमोन है। मेमोरेस्ट तो भाई 33 का है यार, क्या भाई हमने किसको पकड़ लिया यार आज, मजा आ गया। तो देखो भाई काफी खुशी हुई है मुझे इस पोकेमोन को पकड़ के, तो अगर आप लोग को भी खुशी हुई है और ये वीडियो अच्छी लगी है तो यार जा करना इस वीडियो पे 5 लाख लाइक का जो गोल है उसे कंप्लीट कर देना। चैनल पर अगर न्यू हो तो फटाफट से जाओ सब्सक्राइब का बटन दबा दो, बाकी कमेंट्स में जाके जरूर बताना कि क्या मुझे अब किसी एक और दूसरी जगह पर अपना बेस बनाना चाहिए, या फिर इसी जगह पर सारी चीजें तोड़ के अपने बेस को अपग्रेड करना चाहिए, या फिर कुछ बढ़िया तरीके से बनाना चाहिए। तो जाओ फिर फटाफट से कमेंट्स करके बता दो, बाकी हाँ यार सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम लोग 40 मिलियन सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा क्लोज है, तो जल्दी से जाके दबा दो। बाकी ठीक है आज की वाली वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।